उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में चुनावी माहौल क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम धरातल पर उतरी हुई है और जगह जगह चुनावी जायजा ले रही है। ऐसे में खलीलाबाद विधानसभा का जायजा लिया संवाददाता विजय ने, सुनिए क्या कुछ कहना है खलीलाबाद विधानसभा की जनता का और वहां के प्रत्याशियों का। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर और संत कबीर नगर का ये खलीलाबाद विधानसभा, हमारे पास पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये विधान, इसमें जो है समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो हमारे साथ रियाज भाई हैं, क्या लग रहा है कि परवेज अहमद जी, सॉरी परवेज अहमद हमारे यहाँ नगर जो है मंत्री भी अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है कि सपा जो है इस बार कितने आगे जा रही है? एक तरफा जीतने जा रहे हैं हम लोग, एक तरफा जीत बहुमत हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जनादेश जनता ने जनादेश अपना दे दिया। क्या लगता है कि यहाँ पर मुद्दे क्या होंगे यहाँ अगर खलीलाबाद सीट में अगर आप आते हैं तो? जी खलीलाबाद में देखिए जो है यहाँ की मूल समस्याएं शहर से संबंधित जो है जल निकासी और ट्रैफिक की है, इसको दूर किया जाएगा, और शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन सब बातों पे हमारी गवर्नमेंट फोकस करेगी। और बाकी हमारी मैनिफेस्टो में हम बिजली फ्री देंगे और राशन फ्री देंगे, भत्ता को हमारी सरकार। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है, खलीलाबाद भ्रमण मैंने किया है विधानसभा में, सबसे ज़्यादा खस्ता हालत सड़कों की है, तो क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? आप देखिए 5 साल इस सरकार की उदासीनता के शिकार रहा हमारा जिला, और आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से अपने जिले की अपनी विधानसभा को खास तौर से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनी तो हम ये सबसे पहले हम लोग सड़कों का ही कायाकल्प करेंगे। अच्छा अखिलेश भैया जैसे युवा हैं तो युवाओं के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? युवाओं को नौकरी और क्या चाहिए, पढ़ा लिखा युवक जो है डिग्री लेके घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। भैया जी ये क्या युवा हैं तो सपा की प्राथमिकता खलीलाबाद में क्या रही? देखिए सपा की प्राथमिकता पहले छोड़िए, पहले मैं बता रहा हूँ आज प्रदेश का माहौल क्या है। देखिए पिच जो है आज विधानसभा की पिच वो माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार की है और बैटिंग भी वही कर रहे हैं। बाकी बसपा और आपकी आम आदमी पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, ये सब एक्स्ट्रा प्लेयर में है। बैटिंग सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और योगी जी की हर बॉल जो 9 बॉल फेंक रहे हैं उस पर भी एक माननीय अखिलेश यादव जी छक्का मार रहे हैं। और ये लोग उधर ओवैसी जी और क्या बोलते हैं डॉक्टर अयूब साहब और आम आदमी पार्टी के लोग बाउंड्री के उस पार स्टेडियम के बाहर जो छक्का जा रहा है उसको कैच पकड़ के बोल रहे हैं आउट। आप जान रहे हैं बाउंड्री के बाहर बॉल चली गई तो 6 रन है। ये जो चुनाव हो रहा है 7 ओवर का हो रहा है, इसमें 202 रन चाहिए, लेकिन हमने 4 ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर दिया है। बाकी 7 ओवर तक हम बैटिंग करेंगे और 300 के आंकड़ा पार कर देंगे। अच्छा क्या लगता है, 4 अभी जो है चरण खत समाप्त आज हो गए हैं, तो उसमें साइकिल कितनी रफ्तार में आ गई? साइकिल की रफ्तार 400 पार, साइकिल की रफ्तार 400 पार जी। खलीलाबाद में क्या लग रहा है, खलीलाबाद में कितने से जीत क्या जीत क्या है? जय चौबे जी जो उनका सिंबल साइकिल है प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, कोई लड़ाई में नहीं है जी। ये थे हमारे साथ जो है यहाँ पर नगर भ्रमण के निकले थे सपा के समर्थक, और कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया खली।